अरविंद केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी लाख दावा करें कि विपक्ष उनके नेताओं पर फर्जी आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहा है, लेकिन पार्थ चटर्जी से लेकर अनुव्रत मंडल तक जैसे तमाम नेताओं के कृत्य से आम जनता के बीच पार्टी की लगातार गिरती छवि से टीएमसी नेताओं के बीच भगदड़ मची हुई है। बंगाल से लेकर त्रिपुरा, उत्तर पूर्व और पूरे देश में जहां कहीं भी टीएमसी का संगठन है, उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मेघालय चुनाव की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के दो विधायक मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि मेघालय में एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। वहीं उत्तरी गारो हिल्स जिले में मेंदीपाथर के विधायक मार्थन संगमा और पश्चिमी गारो हिल्स जिले में टिकरी किला का प्रतिनिधित्व करने वाले जिमी डी संगमा ने सत्तारूढ़ खेमे में जाने से पहले विधानसभा से इस्तीफा दिया और सत्तारूढ़ एनसीपी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं ने पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था और बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है। मार्थन संगमा और जिमी डी संगमा कांग्रेस के 12 एमएलए में से जो कि पिछले साल टीएमसी में शामिल हुए थे, इनके कांग्रेस के छोड़ने से टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल बन गया था। गौरतलब है कि इससे पहले मोहसिन राम के टीएमसी विधायक एचएम शांगपिलयांग दिसंबर में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं अब दो और विधायकों के टीएमसी छोड़ने के बाद 60 सदस्य सदन में पार्टी की ताकत घटकर 9 रह गई है। टीएमसी छोड़कर आए मार्थन संगमा और जिमी डी संगमा के एनसीपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ये कहा कि हम बेहतर मेघालय के लिए काम कर रहे हैं, इसे आगे भी जारी रखेंगे। कोनराड संगमा ने प्रॉमिस डिलीवर्ड शीर्षक से एक दस्तावेज भी जारी किया, जिसमें 2018 के चुनाव के दौरान किए गए वादों और बीजेपी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों और नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि वे राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए बड़े उद्देश्य के साथ आए हैं। बता दें कि बंगाल में भी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार दावा करती रही है कि टीएमसी के तमाम विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वे सभी पार्टी की गिरती छवि से परेशान हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मिथुन चक्रवर्ती से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक कई बड़े बीजेपी नेताओं ने आने वाले वक्त में टीएमसी को झटका देने का दावा किया है।